याद रखना तू मिलेगा तू मिलेगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर जुड़ी हुई अपराध से, अपराध की एक बड़ी घटना। कल नाला सुपारा के आजोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत शिरडी नगर गाला नगर से सामने आई है। आपको बता दें कि शिरडी नगर गाला नगर ये वह क्षेत्र है जहां पर हर थोड़े दिनों में बड़े बड़े अपराध सामने आते हैं। अभी कल भी यही, कल की रात को भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया जहां कुछ लोगों के समूह ने दो तीन लोगों के ऊपर धारदार हथियार से हमला करते उनको लहूलुहान कर दिया। इस मामले में दो लोग जख्मी हुए जिनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। और वहीं जो इन हमलावरों का जो मुख्य टारगेट था, जिसको हालांकि जो बच गया, जिसको चोट नहीं आई, उसने मीडिया को बयान देने के समय जो खुलासे किए वो काफी भयावह और चौंकाने वाले हैं। आप वीडियो में आगे उस पीड़ित के बयान को सुनेंगे। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते हुए वो बयान है। उसने अपने बयान में बताया कि इन आरोपियों में से एक आरोपी पेरोल पर छुटा हुआ है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े अपराध वो अंजाम दे रहा है, साथ ही इसमें नशे का कारोबार, ये लोग नशे का कारोबार करते हैं, उनको इसके लिए टोका गया तो इस तरह की ये घटना हुई। तो देखिए इस पूरी घटना का ये चित्रण और सुनिए पीड़ित के बयान को। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। याद रखना तू मिलेगा तू मिलेगा। तेरे को तो कुत्ता बनाऊंगा। भिक्षो तू भी मार रहा है ना, तू भी मार रहा था ना। हाँ बस बस हो गया, बस बस, अच्छा बस बस बस, अरे बस इसको जान दे मत। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं क्या सर, मेरा नाम इमरान खान। कल क्या हुआ था सर? मैं राम रहीम चाक में रहता हूँ सर, इन लोग को मार रहे थे तुल्लू सर, मेरे घर में आके छुप गए सर। तो उन लोग बहुत जन थे सर, 40-50 जन थे। उन लोग सामान उमान लेके आए, बोलते नहीं क्या क्या सामान था उनके पास, तलवार था, चाकू था सर, ये सब अम्बुम्बू था। उन लोग बॉटल बहुत सर, इसको बहुत मारे इसको, मेरे घर से मेरे घर तोड़ दिए, मेरा सर दरवाजा तोड़ दिया सर, मेरा विंडो टीवी सब फोड़ दिए सर। नहीं आपका उनसे कुछ था क्या? मेरा सर कोई लेने देने उनसे नहीं था कभी। अच्छा, न उनसे कोई झगड़ा है मेरा, उनसे कुछ कभी नहीं था सर। मतलब वो इनको मार रहे थे? हाँ इनको मार रहे सर। तो ये बचाव में आपके घर में घुस गए? बचाव मेरे घर में घुस गए। अच्छा, फिर सर इसके लिए फिर मेरा नहीं, मेरा दोस्त से मतलब मारूंगा इसको, अब बाहर लेके जाओ जो करने करो, बोलते नहीं इसको, मेरे को दो आदमी को मर्डर करने का। हाँ सर, तो इस मामले में पुलिस यहाँ पे आई थी सर? पुलिस आई थी सर, घर देख के गई मेरा सर आज। हाँ सर, तो घर में ज़्यादा नुकसान हुआ है सर? घर में मेरा टीवी फूट गया, कबाट सर, ऊपर विंडो दरवाज़ा सब तोड़ दिया मेरा। अच्छा। हाँ सर, और सर मेरा नक वो 50,000 रुपया कैश रखा सर, वो भी लेके चले गए मेरे बेड के नीचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय राजपूत है सर। क्या हुआ था कल आपके साथ? कल रात को मैं अपने दोस्त को वहाँ छोड़ने गया था। कहाँ? तो शिरडी नगर में सर, वहाँ पे छोड़ने गया था। वहाँ पे जैसे अपने दोस्त को मैंने छोड़ा और गाड़ी चालू करके जैसे निकल रहा था मैं, तो अजय और कुछ उसके दोस्त लोग वहाँ पे, अजय मतलब अजय वहाँ पे उन लोग खड़े थे उसके दोस्त लोग, तो मुझे बुलाया उन लोगों ने कि ये इधर आ।
तो मेरा पहले से उनके मतलब उनका जो जगन था उनके साथ मेरा थोड़ा पहले का झगड़ा था, तो ये सोच के उन लोग नशे वशे में थे, तो मेरे को देख के उन लोग ने मतलब पटेली दिखाने के लिए मुझे उन लोग ने बुलाया अपना। कितने बजे की बात होगी ये सर? होगी 10, 10:30, 11 बजे की बात होगी सर। अच्छा, उन लोग ने मुझे वहाँ पे मतलब बुलाया तो मैं गया नहीं, वो मैं बोला कि तू इधर आ, उन लोग मतलब मैं बोला मैं क्यों आऊँ, तू इधर पे आ, तो उन लोग आए गए, तो उन लोग मुझसे मतलब झगड़े की करने के हिसाब से बात करें, तू क्या बहुत बड़ा पटेल है क्या, ऐसा वैसा जगन के ऊपर भी तू ऐसा ऐसा बीच में झगड़ा मतलब झगड़ा करने आया था, तो मतलब बात झगड़ा किया था एक लड़के को लेके, मेरा मतलब वो एक छोटा लड़का था उसको उन लोग MD का अंजना इन लोग सब बेचते, तो मैं उस वजह से ये जगन अजय MD बेचता है, ये अजय बेचता है, जगन करके को गांजा वगैरह बेचता है, और चरस और एक क्या तो नाम है चरस बेचते है सर। तो एक लड़का हम लोग के एरिया में था छोटा, उस वजह से मैंने जगन को बोला था कि ये लड़के को तुम लोग काई के लिए बिगाड़ रहे हो, मतलब तुम लोग को उसकी फ्यूचर उसका जिंदगी को खराब कर रहे हो, तो इस वजह से हम लोग को पहले बहुत पहले 1.5 साल पहले उस चीज़ को झगड़े के झगड़ा हुआ था। तो वो बात को वही बात को उन लोग ने कल मतलब नशे में था तो मुझे बुला के मतलब करने लगे, तो धीरे धीरे मतलब बात मतलब इतनी बढ़ गई कि उन लोग के और दो तीन जो दो एकदम नशे में धुत थे मेरे सर पे आए, दो तीन मतलब ऐसा बॉटल मारे, 3-4 बॉटल मारे मेरे सर पे उन लोग ने, और बॉटल मारे और बॉटल मेरे मतलब मार के मेरी जान लेने के हिसाब से, ऐसा मतलब नशे में उन लोग इतना था कि उनको होश ही नहीं इंसान के साथ क्या कर रहे, और तो मेरे को बॉटल लेकर घुसाने की ऐसा तो मैं डर के छुड़ा के भागा, तो फ्रांस घर छोड़ के मेरा एक दोस्त इमरान जो अभी ICU में एडमिट है वो मुझे मतलब उसके घर पे मैं भागा, तो उसके घर पे दो जन बैठे थे, वो थे और उनका एक मित्र बैठे थे, तो मैं उनको बोला बचा बचा इधर लोग मारने हैं, तो इमरान उन लोगों को जानता था तो उन लोगों को रोकने की कोशिश की, और मेरे को घर के अंदर मतलब तो थोड़ा मेरे को झगड़ा सॉल्व कराने के लिए मेरे को अंदर घर के अंदर बंद कर दिया, और इन लोग को बाहर रोक के रखा था, मतलब घर मतलब अंदर नहीं आने देता, रोक के रखा था, तो इमरान के साथ इन लोग बहुत धक्का मुक्की बहुत मतलब बहुत मगजमारी किए, तब से एक लड़का वहाँ से जा रहा था आदर्श नाम का सर जा रहा था वहाँ से, तो वो शायद पेट्रोल भरने जा रहा था, तो उसने इमरान को देखा, वो अंदर आया मतलब देखने का इकली क्या चल रहा है, तो इमरान को देखा इमरान के साथ, तो तब से इसको देखे आदर्श को बोले क्या रे तू किसको बचाने आया, संजय को बचाने आया क्या, तो मैं बोला कि उसने बोला कि संजय को बचाने नहीं आया, तब से उसमें से कोई एक लड़का बोला कि ये हम लोग का धंधा बीच में बंद कराया था, पुलिस वाले को टिप दे के धंधा बंद कराया था, मतलब धंधा बंद कराया था, इन लोग का बेचन जो करते ना गांजा वगैरह, तो वो बंद कराया था, इसकी वजह से उसको फिर मारने लगे, और नशे में इतना मार रहे कि उनको तलवार मतलब डंडा रॉड सब एक उसको मारे, जब तलवार वो बेहोश हो गया गिर गया, तो फिर मैंने 100 नंबर पे सचमुच उनके पास में तलवार आ गई, हां वीडियो है ना सर, तलवार वो इंजरी देख के सर पता चलेगा, वो खुद क्या सचमुच तलवार है या धारदार हथियार उनके पास थे? तलवार था सर, और छोटे छोटे बहुत सारे हथियार थे उन लोग के पास नशे में, कोई ऐसा घुसाने वाला चक्कू बहुत कुछ उन लोग के पास थे, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिससे जान मतलब उन लोगों को नशे में ये नहीं समझ में आ रहा है सर उनको किसी की जान ले सके, और अजय सर ऐसा आरोपी है जो मतलब अजय एक ऐसा आरोपी है जो पैरोल अजय मिश्रा करके सर वो ऐसा आरोपी है सर पैरोल पे बाहर आया वो, और उसका एक नंबरकारी है अन्ना करके वो भी उसके साथ ही था वहाँ पे वो भी था, और उसके बहुत सारे और भी ऐसे नशेड़ी दोस्त थे जो जिसके ऊपर बड़े बड़े केस हुए, लालू हुआ सनी हुआ ऐसा बहुत, और मतलब थे तो जा रहा लेकिन मार रहे थे 12-15 जन उसको आदर्श को मारने लगे, जब मारने लगे जब लगा ना उसको जान से मार देंगे, तो मैं 100 नंबर पे फोन डर गया मैं भी, फिर 100 नंबर पे फोन किया कंट्रोल रूम में, तो आधे घंटे के बाद पुलिस आई, मतलब उन लोग आधे घंटे तक तोड़ फोड़ दरवाजा खिड़की सब तोड़ खिड़की, इमरान जो बचा रहा था उसका पूरा घर उन लोग तोड़ डाले, और उसको फिर जब देखना इसको जान से मार देंगे, तो इमरान ने इसको आदर्श को अंदर ढकेल दिया बचाने के, और फिर उसको भी बाहर से मतलब लॉक कर दिया, हम लोग दोनों को अंदर बाहर से लॉक कर दिया कि हम लोग को मार ना पाए बचा, तो फिर पुलिस आई हम लोग को लेके गई, पुलिस लेके गई तो हम लोग कैसे ना कैसे बच गए, तो इमरान को बोले इमरान भी गया चौकी गया, तो इमरान को भेजे उन लोग ने जा कपड़ा तो पहन के, और इमरान जब गया ना सर तो उन लोग इतने ढीट हो गए, उनको पुलिस का जरा भी डर नहीं है, पता नहीं क्या सोच के सर पुलिस के मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन पता नहीं पुलिस उनके साथ ऐसा सख्त कार, वो पैरोल पे सर बाहर आया है उसके ऊपर कम से कम 8-10 बड़े बड़े गुनाह और दाखिल हुए, अभी रिसेंटली वो रेप केस में सर बाहर छूट के आया है, इसके पहले भी 326 और आपके चैनल पे ही आपके ही चैनल पे उसका अजय मिश्रा का देखो और उसका ऐसा वीडियो रहेगा जिस इसके नाम पे जो अभी 324 ऐसे बहुत सारे ऐसे केस है जो उसके बाद हुए, लेकिन पता नहीं वो पुलिस उसके साथ क्यों सख्त कार्रवाई कोई कर ही नहीं रही है, और मतलब उसको और वो इतना लीडर हो गया उसको इस बात का मतलब हो गया कि मैं जाऊँगा छूट के आ जाऊँगा, और गलत काम तो कर ही रहे सर उनको पैसा आ ही रहा है, तो उनको ऐसा हो गया कि वो मतलब मैं छूट के आ जाऊँगा मैं करूँगा, और सर अगर आज ये केस में अगर सख्त कार्रवाई नहीं की है ना तो मुझे मेरी जान को सर बहुत
बड़ा खतरा। उन लोग मेरे को अभी ये 326 सुने ना, अभी ये केस उन लोग ने किया तो उनको बोले अरे उन लोग खुश हो गए, उनके लिए ये 326 जैसा कुछ है ही नहीं सर। क्या आपको लगता है कि पुलिस इस मामले में नहीं कार्रवाई नहीं कर रही? अरे सर नहीं कर रही है, आप खुद रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर इतना बड़ा क्रिमिनल है, पहली बार तो पैरोल पे आया, उसका पैरोल कैंसिल अभी तक 2 साल हो गया, वो उसका कैंसिल होने मतलब उसको जाने का बिल कैंसिल करके उसको नहीं जमा कर रहे, और उसके बाद भी इतने बड़े बड़े सर उसके ऊपर केस हुए हैं, लेकिन अब भी वो जाता है और 10-15 दिन में 2 दिन में ऐसा छूट के आ जाता है, या तो बाहर से उसका एंट्री हो जाता है सर, तो इंसान को डर कैसे होगा। और सर इतना वो दिन दहाड़े वो जब पैरोल पे जिस केस में गया, मर्डर केस में गया, इंसान को काट दिया है, वो काट दिया दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस पे सर, तो भी इतना मतलब पुलिस पता नहीं क्या सोच के कार्रवाई उनके ऊपर नहीं कर रही है कि सख्त एक्शन ले लिए। जब तक और 2-4-10 मर्डर नहीं करते तो सर तब तक मतलब अभी मेरे मैं अपने बीवी बच्चे के साथ अलग रहता हूँ, कल को मैं मर जाऊंगा मेरे मतलब मम्मी पापा के साथ नहीं रहता हूँ, मैं अलग रहता हूँ, कल को सर कुछ हो जाएगा तो मेरी बीवी बच्चे कल मेरे को अगर मैं मेरे वजह से उन दोनों को दो थे बेचारे उनका कुछ भी नहीं था, सोचो उनको मारे तो मेरे को कितना मेरे को बोलते वीडियो में सुनाई दे रहा है तू आ तेरा मर्डर कर दूंगा, वीडियो मैंने निकाल रहा था अंदर से मर्डर कर दूंगा ये कर दूंगा, इसको जाने मत दे पूरा गेट बंद कर, गेट वगैरह सब बंद करा दिए। अगर पुलिस नहीं आई रहती और 5-10 मिनट लेट हुई रहती ना कंट्रोल रूम में, जब तक उन लोग पुलिस नहीं आई तब तक दरवाजा तोड़े मेहनत करे सब कुछ, जब पुलिस आई तब उन लोग भागे, लेकिन सर उनको इतना इतना भी डर नहीं था, उनको इतना भी डर नहीं था, पुलिस आने के बाद तो भी उन लोग दो से तीन बार घर में घुसे, तोड़ फोड़ किए, इमरान पुलिस आने के बाद इमरान को मारे एडमिट है जो आईसीयू में, वो उसको इमरान को उसके बाद मारे, फिर इमरान को मारने के बाद फिर इमरान के घर में जब इमरान भी चला गया ना कम से एडमिट होने, फिर इमरान के घर में घुसे, फिर पूरा तोड़ फोड़ किए, मेरी गाड़ी तोड़े सर, वीडियो और आपको फोटो देता हूँ आप देखो, गाड़ी वोड़ी मेरी पूरी तोड़ दी, नई गाड़ी थी सर मेरी पूरी गाड़ी तोड़ दी, और मुझे तो ऐसा उन लोगों ने करके रखा कि मुझे ऐसा बोले कि तेरे को तो जान से मारेंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।